मोदीनगर से अगली बड़ी खबर, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा से कीमती गहने गायब पाए गए। दरअसल लॉकर टूटने से गायब हुए हैं करीब 50 लाख के गहने। ग्राहक ने बैंक कर्मियों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। वही पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया बैंक कर्मियों की लापरवाही सामने आ रही है। अगस्त में ग्राहक ने बैंक विजिट किया था, अब ग्राहक को लॉकर टूटे होने की सूचना दी गई है। सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से बयान भी सामने आया है। तो बड़ी खबर, जहां लॉकर टूटने से गायब हुए हैं लगभग 50 लाख के गहने। ग्राहक ने बैंक कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। पुलिस के मुताबिक बैंक कर्मियों की लापरवाही फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि जांच पड़ताल का यह विषय कि आखिर बैंक के लॉकर में रखे गहने कैसे गायब हो सकते हैं और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। और लॉकर टूटने से करीब 50 लाख के गहने गायब हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का यह पूरा मामला, मोदी नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा से कीमती गहने गायब हो गए। लॉकर टूटा पाया गया और इससे करीब 50 लाख के गहने यहां पर गायब पाए गए हैं। हालांकि इस दौरान कस्टमर की तरफ से बैंक कर्मियों पर दोष लगाया गया है, बैंक कर्मियों पर आरोप लगाया गया, लेकिन पुलिस अब पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई लगातार जारी है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मोदीनगर का ये पूरा मामला जहां बैंक ऑफ बड़ौदा की लॉकर में से 50 लाख के गहने गायब पाए गए। लॉकर टूटा पाया गया और इस दौरान 50 लाख के गहने थे लॉकर में, वो भी वहां से गायब पाए गए। अगस्त में ग्राहक ने बैंक विजिट किया था। पुलिस के मुताबिक बैंक कर्मियों की लापरवाही के तौर पर इस घटना को देखा जा रहा है। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि आखिर बैंक के अंदर लॉकर कैसे टूटा और उससे कीमती गहने कैसे गायब हुए। कर्णवीर कश्यप हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कर्णवीर, मोदीनगर का ये पूरा मामला सामने आया जो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि बैंक में लोग अपने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, बैंक कर्मियों की सुरक्षा पर ध्यान रखते हुए और बैंक कर्मियों पर भरोसा करते हुए अपने कीमती गहने, कागजात और सब लॉकर में रखवाते हैं, लेकिन इस दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा से कीमती गहने लगभग 50 लाख के गहने गायब पाए गए हैं। बैंक कर्मियों पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए कल ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जब बैंक की तरफ से इन पीड़ित परिवार को फोन गया, जो लॉकर धारक हैं इनको फोन गया और कहा गया कि आपका लॉकर खुला हुआ है और पीछे आकर के देखा जाए। जब वो अपनी चाबी लेकर वहाँ पहुँचती है तो बैंक का लॉकर केवल खुला ही नहीं था, वो किसी चीज़ से उसको टेम्पर भी किया गया था और उसके बाद जब उसको देखा गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। आरोप ये है कि जो उसके अंदर लगभग 50 लाख रुपए के गहने, जिसमें सोना और चांदी शामिल थे, वो गहने थे, वो गायब हैं। अब अगस्त में इन लोगों ने लॉकर आगे खोला था, अगर अगस्त में इन लोगों ने लॉकर को आगे खोला था तो जब बैंक में लॉकर को खोला जाता है तो उसकी एक गाइडेंस है, उसका एक नियम है कि बैंक के कर्मचारी के साथ वहाँ मौजूदगी होती है और जब वो खोला जाता है, और जो लॉकर का सेक्शन बैंक के अंदर होता है उस लॉकर सेक्शन में बाकायदा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगे हुए होते हैं, सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी होती है, अलग से उसका जाल बना हुआ होता है, तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम बैंक सिक्योरिटी से संबंधित होते हैं वो तमाम चीजें करे जाते हैं। अगर मान लिया जाए जो पीड़ित है, जो आरोप लगा रहा है, अगर उन्हीं की कोई करतूत है तो वो कैमरे में कैद होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी को पता होनी चाहिए थी, या बैंक कर्मचारी जो लॉकर के पास था उसको पता होनी चाहिए थी। यानी कि ये पूरा मामला बैंक की लापरवाही का अभी तक लग रहा है। पुलिस का भी अब तक की जांच में यही मानना है कि बैंक की लापरवाही के चलते बैंक के किसी कर्मचारी या अन्य का किसी का हाथ हो सकता है, नहीं तो बैंक में इस तरह का लॉकर का टूटना और लॉकर से सामान निकाल लेना बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं। ये घटना अपने आप में हैरान करने वाली है और कहीं ना कहीं सख्त बैंक के स्टाफ की तरफ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कन्वीर, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।